रानीखेत में 10वीं के छात्र को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। छात्र के जलने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। रानीखेत के सौनी गांव निवासी दिनेश सिंह बिष्ट रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला था, लेकिन कुछ देर बाद घर से कुछ ही दूरी पर छात्र जला हुआ बेसुध हालत में मिला, जिसके बाद आसपास के लोगों के द्वारा छात्र के परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों ने आनन फानन में छात्र को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं छात्र की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही छात्र ने दम तोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला था छात्र, जहां रास्ते में दो लोगों द्वारा छात्र पर मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि इस मामले में अभी परिजनों द्वारा थाने में कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। वहीं एसएसपी पी रेणुका का कहना है कि छात्र के जलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया, लेकिन अभी तक जांच में लोगों के द्वारा कही जा रही छात्र को जलाने की बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। विभिन्न नजरिए से पुलिस जांच कर रही है और जांच लगातार जारी है। एक लड़का अपना आग लगा दिया है एंड उनको हॉस्पिटल में एडमिट है करके, सो हम पुलिस मौके पर पहुंचे हैं, घटनास्थल निरीक्षण वगैरह किया है। अब उनको हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर हुआ है, सो वहां पर उनको मृत हो गया था, फिर पोस्टमार्टम वगैरह फॉर्मेलिटीज हो गया है। अभी तक हमारा पूछताछ में ऐसे कोई बाहर का व्यक्ति और कोई वहां पर दो लोग आग लगा के भागा है और किसी ने उसको दो लड़का को मतलब दो लोगों को देखा है, ऐसे कोई हमारे पास हमारा जांच में अभी तक कोई प्रकाश में आई। अल्मोड़ा की शांत वादियों में छात्र की जलकर हुई मौत ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी लमगड़ा क्षेत्र में सतियों में स्कूल के भवन में ही एक छात्र को जला देने का मामला सामने आया था। हालांकि पुलिस ने अपनी तहकीकात के बाद मामले को प्रेम प्रसंग बताते हुए छात्र की मौत को आत्मदाह करार दिया था, जबकि मृतक छात्र सहित उसके परिजनों ने चार लोगों द्वारा स्कूल के अंदर आग लगाकर मारने का आरोप लगाया था। एक बार फिर से रानीखेत के सौनी गांव में छात्र को जलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इंटर कॉलेज में हुई वारदात पर पुलिस की तहकीकात पर सवाल या निशान भी खड़े हो गए हैं। संवाद 365 के लिए अल्मोड़ा से अमित उप्रेती की रिपोर्ट।